अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार अलवर सरस डेयरी में कार्यरत ठेके के अधीन कामगारों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार सरस डेयरी में वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें डेयरी में ठेके के अधीन काम करने वालों को प्राथमिकता देने की बजाय बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। मीना अलवर ठेका कर्मकार यूनियन अध्यक्ष सर, हम लोग यहाँ पर मतलब क्या है, आज जो धरने पर बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि जो डेयरियों में जो भर्तियाँ RCTF के थ्रू ली जा रही है वो सभी नियमों को धज्जियाँ उड़ाते हुए ली जा रही है, क्योंकि इसमें जो ठेका प्रथा इतने सालों से आज चल रही है, पूरे देश में चल रही है, सब कुछ चल रही है, लेकिन क्या है सर, उनके लिए यही आश्वासन दिया जाता है कि भाई क्या है कि आप लोग जल्दी ही परमानेंट हो जाओगे, आप लोग जल्दी फिक्सन किए जाओगे, हमें किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है सर, हम जो यहाँ धरने पे बैठे हैं इस भर्ती को बंद किया जाए, निरस्त किया जाए, और जो हमें हमारी मुख्य मांग है वो हमें कि चाहे हमें परमानेंट किया जाए, फिक्सेशन किया जाए, या हमें समायोजन किया जाए, जिससे क्या है कि हमारे जो भविष्य अंधकार में दिख रहा है हमें आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि आज 503 RCT में वैकेंसी हुई है, 6 महीने बाद 3000 वैकेंसी, क्योंकि ये जो भर्तियाँ 503 है ये सिर्फ इतने सालों से, आज 35 साल से जो भर्तियाँ नहीं हुई थी, रास्ता खोलने के लिए निकाली गई है, जिससे क्या है कि क्योंकि इस टाइम सभी यूनियनों में बोर्ड भंग है सर, और बोर्ड सभी बोर्ड के जो चेयरमैन थे जब प्रेजेंट में थे वो, उस टाइम उनका प्लस RCTF मतलब CMDA इनके हस्ताक्षर पे एक साइन है कि जब कभी भी भर्तियाँ ली जाएगी तो जो स्टाफ लग रहा है इन्हीं में से भर्तियाँ ली जाएगी, लेकिन क्या है आज बोर्ड भंग है, बोर्ड नहीं है सर, और मतलब क्या है भर्तियाँ मतलब RCTF ने विज्ञप्ति निकाली उसके तुरंत 7 दिन बाद ही जॉइनिंग एग्जाम लेटर कॉल लेटर मतलब भिजवा भेज दिए, ऐसे तरह कोई भी भर्तियाँ मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि मतलब क्या है कि इतनी जल्दी इतनी फास्ट उसमें कि कॉल लेटर आ जाए 7 दिन के अंदर, और 31 तारीख को मेरा खुद का पेपर है, मैं सर खुद मतलब क्या है कि एक बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी सन 2005 से मैं अलवर संघ में आया हूँ, और 2003-05 मैंने भीला चित्तौड़ काम किया है 2 साल मैंने सर, आज मुझे खुद को मतलब क्या है कि 18-19 साल हो गए, लेकिन क्या है कभी भी मतलब क्या है कि हमें इस उससे देखा नहीं गया कि मतलब हमको हमारे फ्यूचर को मतलब क्या है ये लोग संभाल सकें, आज ये कह रहे हैं कि आज MD साहब हमारे कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है ये, RCTF के हाथ में है, सर आपके हाथ में इतने टाइम था क्यों नहीं किया, आज आप इस चीज़ को कैसे वो कर सकते हो डाइवर्ट कि ये हमारे हाथ में नहीं है सर, इसलिए हमारी मुख्य मांग सर यही है कि हमें समायोजन किया जाए और मतलब इस भर्ती को बंद किया सर। ये हड़ताल नहीं है, ये कार्य का बहिष्कार है, क्योंकि कार्य बहिष्कार हड़ताल में अंतर होता है, हम हमारे स्वेच्छा से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, RCTF और संघों में जो भर्तियाँ की जा रही हैं उसके खिलाफ, उसको निरस्त कराने के खिलाफ, निरस्त कराने के लिए ये भर्ती की जा रही है, ये कार्य काम किया जा रहा है, और हम जहाँ कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से या 30 साल तक के भी आदमी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई है। रिटायरमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी है, रिटायरमेंट वाले रिटायर हो रहे हैं, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सबको वापस लिया जा रहा है, जबकि हमारा, हमने कई बार पहले भी ज्ञापन दे चुके, पहले भी बोल चुके, RCTF पे बोल चुके, मुख्यमंत्री को भी हमने एक 2013 में भी ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। आज सभी सदस्य अपनी स्वेच्छा से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, हमारा और कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन है कि हमको भर्तियों में या तो समायोजित किया जाए या भर्तियाँ कैंसिल की जाए।